4 करोड़ का लोन देने के लिए प्रोसेसिंग फीस और कमीशन के बहाने 40 लाख की ठगी करने वाले 2 जालसाजों को कल्याण की कोलसेवाड़ी पुलिस ने महज 48 घंटों के भीतर महाराष्ट्र के सांगली जिले से गिरफ्तार कर 10 लाख की नकदी बरामद की है। इस धोखाधड़ी में कुछ और आरोपियों के शामिल होने की बात पुलिस ने कही, जिनकी तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपियों के असली नाम राजेश पवार और राहुल दाबोले है, लेकिन ये दोनों पहचान छुपाने के लिए अभय आहूजा और संजय नाम का उपयोग कर रहे थे। इस मामले की जानकारी देते हुए ACP उमेश माने पाटिल ने बताया कि कोल्हापुर जिले के रहने वाले हाथकनंगले निवासी पीरगोंडा पाटिल को जमीन खरीदने के लिए 4 करोड़ की जरूरत थी। इतने रुपए नहीं थे, इसलिए पाटिल ने कर्ज लेने का मन बनाया, जिसके लिए वो यहाँ वहाँ कोशिश कर रहे थे। इसी बीच पाटिल की मुलाकात राजेश पवार उर्फ अभय आहूजा, राहुल दाबोले उर्फ संजय, दिनेश कोटियार और कुणाल इन आरोपियों से हुई। लोन के सिलसिले में आरोपी और पाटिल के बीच कल्याणपुर के प्रसाद होटल में कई बार मुलाकात हुई। इस दौरान पाटिल का भरोसा जीतकर 4 करोड़ का लोन देने के लिए 10% प्रोसेसिंग फीस एवं 5% कमीशन के बहाने आरोपी 40 लाख रुपए लेकर रफू चक्कर हो गए। रुपए देने के बाद आरोपी की बातों से पीरगोंडा पाटिल को पता चला कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, जिसके बाद 18 जुलाई को पाटिल ने कोलसेवाड़ी थाने में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई। ACP उमेश माने पाटिल के मुताबिक इस केस में आरोपियों के मोबाइल नंबर के अलावा पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। इसके बावजूद कोलसेवाड़ी के इंचार्ज बशीर शेख, क्राइम निरीक्षक सुनील गवली, असिस्टेंट इंस्पेक्टर हरिदास बोचरे पाटिल और उनकी टीम ने तकनीकी जांच के जरिए जानकारी प्राप्त कर सांगली जिले से 2 आरोपियों को धर दबोचा। ठगी के 40 लाख में से 10 लाख रुपये पुलिस ने बरामद किए हैं। धोखाधड़ी में शामिल अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश में जुटी है। हमारी कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में ही दिनांक 18 जुलाई को एक जो आदमी है वो हाथकनंगले कोल्हापुर का रहने वाला है, उनको जमीन खरीदी करने के लिए 4 करोड़ का लोन चाहिए था। 4 आदमी उनके कॉन्टैक्ट में आए और उन्होंने 4 करोड़ के लोन के बदले 10% प्रोसेसिंग फी और 5% कमीशन, ऐसा लगभग 40 लाख रुपये उनसे लिया। उनको जब यह ध्यान में आया कि इन 4 लोगों ने उनको ठगाया है, तो उन्होंने कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में FIR दाखिल किया। हमारे कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन के सीनियर PI बशीर शेख, क्राइम PI गवड़ी और API बोसरे और API पगारे, उनकी पूरी टीम हमारे वरिष्ठों के मार्गदर्शन पर नियर अबाउट इन 48 आवर में ही उनमें से 2 आरोपियों को दबोच लिया। उन 2 आदमियों का नाम है राजेश पवार, उनकी उम्र 39, वो रहने वाले इस्लामपुर तालुका वाड़वा से है, और ये जो सेकंड एक्यूज है राहुल विलास दाबोले, उनके उम्र है 35, ये रहने वाला पेट तालुका वाड़वा जिला सांगली का है। उनके पास से लगभग 10 लाख रुपए बरामद हुए हैं और आगे की तफ्तीश चालू है। आगे भी इन इसमें मुद्देमाल हस्तगत हो जाएगा और कुछ आरोपी इसमें मिलेंगे।